करें इसमें मैं आपको ऐसी टिप देने वाला हूँ बिलखसूस ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि वीक हैं और अब उन्होंने पूरा साल तैयारी नहीं की आखिरी दिन करने तो अब क्या करें असल स्टूडेंट्स इस्लामिया के गेस्ट पेपर क्लास टें तकम में आपको बता दूँ मार्क्स की एमसी क्यूज आएंगे टेन मार्क्स के दस टोटल होंगे हर किसी का एक मार्क होगा तीन आयत करनी होंगी टोटल पाँच आई होंगी हर आयत के तीन तीन मार्क्स होंगे तो टोटल नाइन मार्क्स होंगे फिर अदीस होंगी टोटल दो आएंगी आपने सिर्फ एक करनी होंगी पाँच मार्क्स की होगी शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल सात आएंगे दो की ऑप्शन होगी यानी पाँच कर सकेंगे तो फाइव टू दैट टेन मार्क्स होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन टोटल तीन आएँगे दो करने होंगे वेरी इंपॉर्टेंट दोनों के आठ आठ नंबर हैं सिक्सटीन मार्क्स अगर आपने टोटल फिफ्टी मार्क्स लेने हैं तो बिलखसूस आखिरी वाले में गलती की गुंजाइश नहीं है तो शुरू करते हैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर वन उद उम के मानी हैं अच्छा ये मैंने कहाँ से निकाले हैं किस तरीके से निकाले हैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा अपना बेटा भी क्लास टेंथ है और ये एप्स एक्स सेक्रेटेरिएट आर्मी पब्लिक स्कूल वालों ने जो प्री बोर्ड और जो सैंडप्स है उनमें से दिए उन उसमें से, तो उस से भी इंपॉर्टेंट वंस मैंने आपके लिए दिए हैं ताकि जो मैं अपने बेटे को तैयारी करा रहा हूँ वही आप भी दे सकें उद उम के मानी हैं उन्हें पुकारो क्वेश्चन नंबर टू सूरत आदाब की आयत नंबर छः में बताया गया है कि डैश आपस में किताब की रूह से मुसलमानों और महाजरों से एक दूसरे के तरके के ज़्यादा हकदार हैं रिश्तेदार क्वेश्चन नंबर थ्री माशरे की बुनियाद ख़ानदानी निज़ाम और डैश की पाक पाकिज आयली ज़िंदगी पर है जहर मर्द औरत क्वेश्चन नंबर फोर अकसुतु का मतलब है आपने सुना हो गल बिलक़ कुरान में बात बत यानी कि इंसाफ के साथ वाली बात ज़्यादा मुनफाना बात क्वेश्चन नंबर फ़ाइव इलम का पहला अदब इलम की बात गरीब टीचर बात कर रहा है इलम की तो क्या करना चाहिए तोज्जो और खामोशी से सुनना चाहिए क्वेश्चन नंबर सिक्स गजब अज़ाब में अल्लाह ने ई ईमान की कैसे मदद की अब अबील से नहीं नहीं अब अबील तो कंकरियों वाले थे और कंकरियाँ उन्होंने फेंकी थी सूर्य फील वाले किस्से में बारिश भी नहीं थी तो हवा से क्वेश्चन नंबर सिक्स सुर आज़ाम एर शादा बारी ताला है जब वो कुफार तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए और जब ईमान फिर गया नहीं सोचे फिर गई नहीं दिल फिर गया नहीं मुसलमानों के साथ ये नहीं हुआ था उनकी आंखें फिर गई ताशिर ऊना का मतलब क्या है ताशिर ऊना लफ्ज़ देखें अरबी के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो सिर्फ तीन वर्ड से मिलते हैं अलिफ सीन रे से मिलता है असीर से मिलता जुलता है तुम असीर बनाते हो क्वेश्चन नंबर नाइन आ हजूर सल्ला वसल्लम ने जुमे की नमाज़ में डैश आने से मना फरमाया आराम से चल के है? नहीं आराम से तो आना चाहिए शास्त्री से भी आना चाहिए टहल कर भी आना चाहिए दौड़ते हुए नहीं आना चाहिए बेहरमती होती है तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एम सी क्यूज अल्लाह ताला ने किसी इंसान के डैश नहीं बनाए दो जिगर दो दिमाग दो दिल दो नाक ज़ाहिर है दो दिल की बात हो रही है बाकी भी दो दो नहीं बनाए लेकिन दो दिल इसलिए क्योंकि इंसान दिल से मुतमिन होना चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान काफिर भी और मुसलमान भी हो दिल से इंसान का मुसलमान होना चाहिए कमिंग गोर टू क्वेश्चन टू कुरानी आयत में से कोई सी तीन आयत का बा मुहावरा तर्जमा करें इसमें मैं आपको ऐसी टिप देने वाला हूँ बिलखसूस ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि वीक हैं और अब उन्होंने पूरा साल तैयारी नहीं की आखिरी दिन करने तो अब क्या करें सबसे पहले वो आयात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो खूस एक्स सेक्रटेट ने भी अपने बच्चों से प्री बोर्ड में लिए या यूहन नबी तकिल्ला वाल तलकाफ़री नवलमुनाफी की ना इनका ना आलिमन हकीम दूसरा या यूहन नबीकुल अजवाजिक ये वाली आयत नंबर तीन लकत फ़ी रसूल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब लोगों को बहुत पसंद है आयत क्वेश्चन नंबर फ़ोर या ई हल्दी आ मुनुस्करू नतम ये वाली आयत और पाँचवीं आयत अन नबी अउला बिलमोमिनी नमिन अनफुम वजह माहम ये छठी आयत जो है ये आयत नंबर छः का एक जुज़ है छोटा सा बहुत बड़ी आयत है ये इन तमाम आयात के ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको एक टिप मैं देने लगा लगाऊँ खूस कमज़ोर तलबा के लिए कि आप इस सूरत की वो बारह आयात तैयार कर लें जिनमें या अयुहा आया है क्योंकि ये वाली आयात एक ख़ास मानी और हुक्म के साथ आई होती हैं और ये उनकी तफसील है पहली आयत जो सूर अजाब की है उसमें भी या आयूहा नाइन्थ आयत में फोटी एट्थ आयत में फ़ोर्टी फर्स्ट आयत में फिर आ जाते हैं फोटी फ़ाइव में फोटी नाइन में फिफ्टी में और फिफ्टी थ्री फिफ्टी सिक्स फिफ्टी नाइन सिक्सटी नाइन और सेवेंटी ये वो बारह आयात हैं जो बच्चा तैयार कर ले तो इन उम्मीद है कि उसकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर सी किसी एक हदीस का तर्जुमा और तशरी कुरान और हदीस की रोशनी में करते हुए अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ वादा कीजिए असला तो इमादुद्दीन एक ये वाली हदीस नंबर टू मन फाम रामजान ईमान ये वाली हदीस अब अब इन दोनों हदीसों पर नजर आएँ कि आपकी टोटल जो किताब के अंदर दस अस हैं उनमें पहली पाँच अस में से हैं और मेरा मशवरा कमज़ोर तलबा के लिए यही है जिनके पास पहले इन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की तो पहली पाँच अदादी तैयार कर लें क्यों क्योंकि टोटल आपने दो करनी होती हैं दस में दस में से आप पाँच तैयार कर लेंगे इनमें से एक तो लाजमी आएगी पैन मुमकिन है दो आ जाएँ क्योंकि ये जामे और ज़्यादा अहम हैं पर्चे के हिसाब से ज़्यादा मौजूँ है क्वेश्चन नंबर फोर कोई से पांच सवाल करने हैं सात सवालों में से ये मैं आपको पढ़ देता हूँ सूर्य आजाब में मुँह बोले बेटे को बारे में क्या हिदायत दी गई है मुँह बोले बेटे इसमें अंदर कौन थे हजरत जैद बिन हारसा ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कुरानी मजीद में किस हाबी का जिक्र है क्वेश्चन नंबर टू गज़ आजाब में मुनाफिक ने क्या किरदार अदा किया क्वेश्चन नंबर थ्री आदा जुमा पर एक हदीस का तर्जुमा तहरीर करें गज़ आजाब में अल्लाह ताल ने हजूर सल वसलम के अजवाज मतहरात को क्या अर्शात फरमाया गया है सुरः तहरीम में वाले के हकूक़ के बारे में क्या अर्शाद फरमाया गया है सुरह में मोमिन मर्दों और औरतों के क्या साफ़ बयान हुए हैं सूरह आजाब में रसूल सल वसम के फैसलों के बारे में अहिल ईमान का क्या तर्ज अमल होना चाहिए बहुत ही अच्छे और मुनासिब एफ सक सेक्रटेट ने तैयार किए थे बच्चों के लिए और मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि इनको आप लोग ज़रूर तैयार करें क्वेश्चन नंबर फ़ाइव कौन से कोई से दो सवाल हल करें ये बहुत ही इम्पॉटेंट है पूरे पेपर के अंदर क्योंकि दो बड़े सवाल आठ आठ नंबर के हैं अगर इसमें गड़बड़ होगी वैसे तो इसमें कोई चॉइस मैं आपको नहीं देता मैं कहता हूँ आपको पूरी बुक कम से कम एक दौड़ा इस्लामियात की ज़रूर पढ़नी चाहिए और समझ के पढ़नी चाहिए जोजैन के हकूक़ के बारे में आप क्या जानते हैं इंपॉर्टेंट सवाल आज कल दुनिया बीवी के झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अल्लाह ती करे आप लोगों की जब शादियाँ हो तो आप लोग बड़े खुश व खुरम ज़िंदा गुजारें दूसरा सब्र और शुक्र का हमारी इनफरादी और इजाही ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खूस हमारे हालात को देखते हुए आज आजकल लोग सब्र भी नहीं कर रहे शुक्र भी नहीं कर रहे हर कोई कभी हुकूमत के ऊपर जो है तानो तशनी कर रहे कभी अपने रिश्तेदारों के ऊपर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तीसरा आईली ज़िंदगी की अहमियत पर नोट तो ये तीन सवाल आपने ज़रूर तैयार करने हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज़ के अंदर ये वाले क्वेश्चन दिए जा चुके हैं प्री बोर्ड और सेशनल एग्ज़ाम्स के अंदर जजाकल्ला बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स अगर आपको किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में इंफॉर्म करें हम उस चैप्टर को एनिमेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अपलोड करेंगे